अभी एक जनरल रीडिंग करेंगे। जो पर्सन आपके माइंड में हमेशा घूमते रहते हैं या घूम रहा है, क्या वो भी आपके बारे में वैसे ही सोचता है या सोच रहा है? सो सबसे पहले देखते हैं, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लोग नंबर लिख सकते हैं। आज का नंबर रहेगा 8888, ठीक है। एंड जो लोग 8787 नंबर से कनेक्टेड होते हैं वो भी दे सकते हैं 8888 या फिर 8787, ठीक है। एंड ये एंजल नंबर्स भी है, आप लोग इसको गूगल करके अपने लिए जो भी मैसेजेस फील कर रहे हैं उस मैसेज को आप लोग टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए देखते हैं उस इंसान के बारे में जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, उसका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उसको अपने दिल पे हाथ रखिए, उसको फील कीजिए और उसके लिए देखते हैं कि आपने उसको याद किया दिल से, तो क्या उसने भी आपको दिल से याद किया है, क्या वो भी आपको ऐसे ही याद करता है, क्या वो भी आपको मिस करता है, क्या वो भी आपसे प्यार करता है। सारे चीज़ों के लिए एक कार्ड निकालेंगे। चलिए देखते हैं, दोनों कार्ड्स आए हैं, एक यस कार्ड आया है, सन कार्ड, विच शोज़ की यस, ये इंसान आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा। साथ साथ इसके लाइफ में काफ़ी सारे उलझने चल रहे हैं, जब वो उलझनों में होता है तो सबसे ज़्यादा आपको ही याद करते हैं, ठीक है। क्या इनकी और आपकी शादी होगी? आज हम स्ट्रेट कट क्वेश्चंस पूछेंगे, ओके। थोड़ी मुश्किल है इसको होने के लिए, आप में से जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत किसी का ना मुश्किल है इसको होने के लिए, ठीक है। सो ये इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है हीलिंग करनी पड़े, पूजा पाठ करना पड़े, चैंटिंग्स करनी पड़े, रेमेडीज करनी पड़े, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक चांस में नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं कि क्या जो रेमेडीज़ है, हीलिंग है, पूजा पाठ है, इसके बाद आप लोगों की शादी होगी। उसके बाद मुझे यस दिख रहा है, अगर आप ये सारे पूजा पाठ हीलिंग सब कुछ करते तो आप दोनों की शादी लिखी हुई है, ठीक है, ओके। एंड दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग यस। चलिए अभी देखते हैं, जिन लोगों ने गठबंधन पूजा किया है उनके लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी। वाओ, जिन्होंने गठबंधन पूजा किया है उनके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग यस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आई वुड से अफर्मेटिव यस फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपकी जो शादी है वो आपके पर्सन से होने के बहुत हाई चांसेस है, जिन्होंने गठबंधन पूजा किया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जिन लोगों ने रिलेशनशिप हीलिंग किया है उनके लिए कार्ड निकालते हैं, जिन्होंने रिलेशनशिप हीलिंग किया है या अफर्मेशंस यूज़ करते हैं उनके लिए, या हीलिंग भेजते हैं अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर आपके बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में अपने फैमिली से डिस्कस करते हैं, वो पॉजिटिव डिस्कशंस होती है। जिन्होंने सेवन चक्र हीलिंग किया हुआ है, अपने पार्टनर के भेजा है हीलिंग एंड सेवन चक्र हीलिंग अपने लिए किया हुआ है, उनके लिए कार्ड देखते हैं। ओके, उनके लिए आपके पार्टनर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड है आपके प्रति, टच वुड विद गॉड्स ग्रेस, हरे कृष्णा। एम्प्रेस मानते हैं या एम्परर मानते हैं आपको, क्योंकि पहले हमारे पास एम्परर का जगह लड़का है तो एम्प्रेस मानते हैं, लड़की है तो एम्परर मानती है, सो यस वी हैव द एम्परर एम्प्रेस का जोड़ी भी, तो आप लोग एक कंप्लीट यूनियन में हो, ठीक है। सो यस, जो जो चक्र हीलिंग कर चुके हो उन लोगों के लिए ये कार्ड है कि आपके पार्टनर आपको उतना ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं जितना कि आप चाहते हो कि वो आपको माने, ठीक है, ओके। सो वो आपके तरफ आना चाहते हैं, ये सब मैं हीलिंग जो कर चुके हैं उनके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, जो हीलिंग नहीं करे हैं उनके लिए मैंने हमने पहले ही देख लिया था कि इट्स नेगेटिव फॉर टुडे, ठीक है, जिन्होंने हीलिंग नहीं किया है उनके लिए नेगेटिव है। अगर आपने हीलिंग किया है तो उसके बाद आपके सामने कार्ड शफल हो रही है, आपने देखा कि कार्ड्स पॉजिटिव आ रही है, सो वो आपके तरफ आएंगे, आपके तरफ आना चाहता है। एंड हीलिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपको मेरे साथ ही हीलिंग करना होगा, आप अपने तरफ से भी ट्राई कर सकते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपको मेरे ही साथ ही हीलिंग करना होगा बैठ करके। अगर आपने अपने तरफ से अफर्मेशन देना स्टार्ट किया है, ठीक है,
अपने एनर्जीज़ को आपने अगर पॉजिटिव वे में रखा हुआ है, ठीक है, तो आप देखोगे कि चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ब्यूटिफुली मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, अभी हम कुछ अफर्मेशंस देख लेते हैं आपके लिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या आ रही है? पहला अफर्मेशन है, आई रेडिएट कॉन्फिडेंस, ग्रेस एंड पॉइज इन एवरी सिचुएशन आई एनकाउंटर। आई एम डिजर्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट कम इन माई वे। आई डू नॉट हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू एनी वन। टूडे इज अ सीक्रेट गिफ्ट फ्रॉम लाइफ। आई एम वर्दी ऑफ द वेरी बेस्ट इन लाइफ। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे पर्वत भी है जिसको मैं महादेव का पर्वत भी मान सकती हूँ। आई एम सराउंडेड बाई लव एंड सपोर्ट। ठीक है, ये थी आज की गाइडेंस। एक मैं रोमांस एंजल्स से भी देखना चाहूँगी कि कुछ अगर गाइडेंस आता है। रिकंसिलिएशन, आपके साथ में अपने पार्टनर का रिकंसिलिएशन लिखा हुआ है। एक फ्लर्टी एनर्जी आप दोनों के बीच में होने वाला है इनिशियल फेजेस में। एंड एक्सप्रेस योर लव, अपना जो प्यार है उनको एक्सप्रेस करते रहिए। आप उनको कहीं ना कहीं से हिंट देते रहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जो भी सिचुएशन था उसको आपको माफ़ करना होगा। एंड यस, चीज़ें बहुत फेवरेबल मुझे दिख रही है। सो ये थी आज की जनरल रीडिंग। आपको फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि पर्सनल रीडिंग दीजिए। अगर आपको टैरो सीखना है तो उसके लिए कनेक्ट कीजिए। एंड साथ साथ मैं अलग अलग हीलिंग सेशंस प्रोवाइड करती हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया, तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।